शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे पार्टी के युवा नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि हम सिद्धांतों के साथ चलने में यकीन रखते हैं। बीजेपी और शिवसेना गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे पर कहा इन्होंने कि इसके बारे में सिर्फ दो लोगों को पता है कि एक सीएम साहब यानी देवेंद्र फडणवीस और दूसरे उद्धव बाबा, ये सिर्फ दो ही लोग जानते हैं कि इनका गठबंधन कितना मजबूत है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस ने आदित्य ठाकरे के डिप्टी सीएम बनने को लेकर कहा था कि राजनीति में कुछ भी संभव है। क्या आदित्य ठाकरे आगामी सरकार में डिप्टी सीएम बनेंगे? इस सवाल पर आदित्य ने कहा कि अगर मैं खुद के बारे में बात करूंगा तो लोग पागल कहेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो नसीब में लिखा होता है वह कोई नहीं जानता और सिर्फ जनता जवाब देगी। सीएम और उद्धव साहब पोस्ट डिसाइड करेंगे। आदित्य ठाकरे अगर चुनाव लड़ते हैं तो मैदान में उतरने वाले वह ठाकरे परिवार के सबसे पहले सदस्य होंगे। अब तक ठाकरे परिवार चुनाव में लड़ने में नहीं बल्कि लड़ाने में यकीन रखती थी। क्या आदित्य चुनाव लड़ेंगे? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदारियों से भागने नहीं वाला हूं। चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है यह पार्टी तय करेगी। आदित्य ठाकरे ने पूरे महाराष्ट्र और सभी सीटों को अपनी कर्मभूमि बताया। कहा कि कोशिश है कि हमारी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते क्योंकि सीटों से ही ताकत मिलती है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि उन्हें दमदार खेलना पसंद है, सामने आकर खेलना पसंद है। आप देखना होगा कि अब वो चुनाव लड़ते हैं या नहीं। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। SPN 9 न्यूज़ पर हर्ष की रिपोर्ट।